नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है। ये वीडियो साथियों, आपने इसका टाइटल देख के क्लिक करा होगा और निश्चित रूप से यह वीडियो आज की बहुत बड़ी मांग, या मैं कहूँ सबसे बड़ी मांग, चेहरे की चमक जो चाहत है आपकी, वह लाने के लिए आधारित है। बहुत ही आसान तरीका जिससे आप चेहरे पे चमक ला सकते हैं। आपने आज तक कठिन तरीके अपनाए होंगे जिसमें कि आपने 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की क्रीमों का इस्तेमाल करा होगा और इस देश के जो कि एक स्वर्णिम युग में रहा देश था, इस देश को पहले तो अंग्रेजों ने लूटा, ख़त्म करा, उसके बाद अब जो बचा है वो भी बाहर देने में आपके योगदान को रोकने के लिए होगा, क्योंकि आप जो भी देते हैं सारी कंपनियां विदेशी हैं। मुझे तो, मैं बताऊं, हिंदुस्तानी कंपनियां ही नहीं दिखती। आप कोई चीज़ खरीद लो, हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया का बहुत शोर हो रहा है, लेकिन अब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता अभी। दो तीन लोग हैं जो एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ प्रयास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, चाहे अपने बाबा रामदेव हो गए, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हो गए, चाहे सदगुरु हो गए, चाहे हमारे यूनानी प्रैक्टिस करने वाले भाई हो गए, जो लोग इस तरह के माजूम और सब बना रहे हैं। उसके अलावा मैं कोई मुकम्मल प्रयास नहीं देखता कि जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत रेलिवेंट हो। हो सकता है रिजल्ट आने में देर लगे, क्योंकि एक बहुत बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है और एक बदलाव से गुजर रहा है और निकलने का प्रयास कर रहा है और निकल भी जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष अनंत है। यह कभी भारत देश कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो यह देश उससे निकलेगा। लेकिन यह मेक इन इंडिया फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो वही ब्रांड दिखते हैं बड़े बड़े, जिसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे आपको अपनी स्किन दिखा के आपको जादू की प्रेरणा देते हैं, आपको जादू का मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जादू होता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ लगाया है और आपने भी बहुत कुछ लगाया होगा। जादू होता है उन चीज़ों से जो कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं, हमारे आसपास है, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग उनको इस्तेमाल करते थे और हम लोगों से कहीं ज़्यादा तेजवान, कहीं ज़्यादा प्रतापी, कहीं ज़्यादा हिम्मती, कहीं ज़्यादा चरित्रवान और कहीं ज़्यादा इकबाल वाले लोग होते थे। हम लोग उनमें से अब नहीं हैं, क्योंकि जो अंधी दौड़ है इसने हम सबको कहीं ना कहीं अंधा कर दिया है, उसमें हम भी शामिल हैं और शायद आप भी हों। आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, मैं अपने ही बारे में कहूँ तो बेहतर है। बहरहाल, ये जो दौड़ है इससे निकलना है। यह जो 4,000 की क्रीम आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो 4,000 रुपये जो आप अपने बच्चे पे लगा सकते हैं, अपने परिवार के खान पान पे लगा सकते हैं, अपनी उन चीज़ों के लिए घर पे लाने में लगा सकते हैं जिससे परिवार को आराम मिले, वो 4,000 रुपये आप जो है वह क्रीम में या कॉस्मेटिक में या ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा उस चेहरे की चमक को लाने का बहुत सरल उपाय और बहुत कारगर उपाय, और यह बहुत आसान है, हम सबके अधिकार क्षेत्र में है, हम सबके एक्सेस में है। देखिए, चेहरे की चमक, यो तो हमारे बहुत से भाई होंगे जो अभी नीचे नोटिफिकेशन में लिख देंगे कि असली वीडियो यहाँ से शुरू होता है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, असली वीडियो वहीं से शुरू होता है। लेकिन अगर आप अपने साथ रابطہ करना चाहते, जुड़ना चाहते, तो दो पल यह बात आपके लिए है। चमक जो चेहरे की होती है, आप भी मानेंगे, सब मानेंगे, चमक होती है ईमानदारी की, चमक होती है कर्तव्यपरायणता की, चमक होती है कर्मठता की, चमक होती है डिसिप्लिन की, और चमक होती है पढ़ाई की, तालीम की। तो चेहरे पे चमक उसी से आनी है,
वो चमक जो लाइट फेंकती है जिसको कहते हैं ऑरा, वो जो ऑरा होता है, कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो अलग चमकते हैं, जैसे हम लोग अपने गुरुजी, अपने महंत, अपने मौलाना, इन लोगों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनमें खिंचाव है, आकर्षण है। तो वह आकर्षण तालीम का होता है, चाहे वो दीनी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। तो असली चमक उससे आती है। लेकिन अब एक दूसरे बहुत ज़्यादा, शायद मैं उसमें चला गया, अपनी बातचीत में बहुत गहरा चला गया। अब किसी को नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, उसको चेहरे की चमक चाहिए। बहुत लोग रिसेप्शनिस्ट इंडस्ट्री के, होटल इंडस्ट्री के हैं, बहुत लोग सर्विस इंडस्ट्री के हैं, कोई भी सर्विस का क्षेत्र हो तो उसमें अच्छा दिखना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज के दौर में ख़ास तौर से, और हमेशा रहा है, हमेशा ही रहा है। खूबसूरत आदमी को खूबसूरत ही कहा जाता है। तो हम आपको बताएंगे चेहरे पे चमक लाने का बहुत आसान, एक रुपए से भी कम का उपाय, और वह उपाय है ये। आपको कुछ नहीं करना है साथियों, आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना है, गाय का बेहतर होगा। अगर आप गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो देखिए क्या है कि थोड़ा मुश्किल होगी मिलने में, लेकिन आप तलाशेंगे, अब तो अमूल और तमाम ब्रांड भी गाय का दूध लाने लगे, तो अब तो बहुत आसान हो गया है। आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, कुछ नहीं करना है, बिना उबला हुआ वह दूध आप अपनी हथेली पे लें, मले और चेहरे पे लगा लें, बस उसको 5 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा गुलाब जल के पानी से धो लें। आप 15 दिन के अंदर देखेंगे कि आपके चेहरे पे वो चमक आने लगी कि लगेगा कि कुछ एक लेयरिंग, आपके कोटिंग चढ़ा दी गई है, और यह सब एक रुपए से कम में और प्राकृतिक, ना कोई जलन, ना कोई एलर्जी, ना कोई रिएक्शन, ना कोई चुभन। आप इसको करके देखिए, आप गाय का कच्चा दूध तलाशिए, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाएगा। अब तो मदर डेयरी और अमूल इन सब का पैकेट भी गाय के दूध का आने लगा है। आप इस दूध को बस हथेली पे लीजिए बिना बॉयल करा हुआ, और उसको आप चेहरे पे लगा लीजिए, 5 मिनट चेहरे पे लगा रहने दीजिए, फिर चेहरे को वॉश कर लीजिए। ऐसा आप 15 दिन करिए, और उसके बाद आप देखिए आपके चेहरे पे कैसे चमक आती है, और वो जो चमक आए उसके बारे में आप कमेंट पोर्शन में ज़रूर रखिएगा। आपके चेहरे पे चमक आएगी तो हमारे चेहरे पे भी चमक आ जाएगी, हमेशा आपके हित में, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करने वाला ये चैनल, और डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के नुस्खा आपके लिए लेकर आया है। आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए, आपकी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए, और यह जो विदेशी इन्वेजन हिंदुस्तान में, पहले तो अंग्रेजों ने सेना के साथ इन्वेजन करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले भी एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, और आज भी इनकी कंपनियाँ आई हैं। ऐसा नहीं, अंग्रेजों की मैं क्रिटिसाइज तो खैर करूंगा, क्योंकि वो तो गुलाम बनाने ही आए थे, लेकिन विषय वो यहाँ नहीं है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ अच्छा दिया, ये मोबाइल जिससे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारा रेल सिस्टम और तमाम ये एजुकेशन, यह सब हमको दी, तो जिससे कि टेक्नोलॉजी, यह सब उन्हीं की इन्वेंट करी हुई, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी दिया। हमारे जो इंग्लिश साथी हैं, या जो अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम है, नमस्कार है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, इनका जो इन्वेजन है आर्थिक रूप से देश को खोखला करने का, यह बहुत घातक है, और हम आप इसका हिस्सेदार बन रहे हैं, हम आप इनको साथ दे रहे हैं। चाहे हम फेसबुक पे जितनी भी पेट्रियटिज्म की पोस्ट डालें, देखिए मजबूरी जहाँ है वो अलग बात है। मैं ये वीडियो आईफोन से शूट कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मैं 1.25 लाख रुपये का फ़ोन लिए हूँ। लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है, क्योंकि अगर साफ नहीं दिखेगा तो आप भी नहीं रुकोगे, लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है वहाँ पे आप इनका साथ ना दें। और यह बात उनमें से एक है कि आप कॉस्मेटिक्स पे कम से कम पैसा खर्च करें, या कॉस्मेटिक कोई भला करने वाले नहीं, या बॉलीवुड और हॉलीवुड के चमकते हुए स्टार सितारे केवल वो 7 मंजिला मकान में रहने के लिए आपके सामने आते हैं, और आप उनके बहकावे और उनके बातचीत में आके अगले दिन जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप अगले दिन जो है वो शोरूम में पहुंच जाते हैं, और वह
4000 की डिबिया जिसमें कि कांच ज़्यादा होता है, क्रीम कम होती है अंदर, वह कांच की डिबिया लेकर आप खुशी खुशी आ जाते हैं और अपने को यूं ही आप गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं। तो यह बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। कोशिश करिए कि अनर्गल पैसा देश से बाहर ना जाने पाए। जहाँ बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है वो ठीक है, उसके आगे मैं इसको ठीक नहीं समझता। बहरहाल आप ये कच्चे दूध का नुस्खा करिएगा, बहुत अच्छा नुस्खा है, 1 रुपए से कम का नुस्खा है, और हमें कमेंट पोर्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपका साथियों, यह वीडियो सुनने के लिए, हमारी इस बकवास को, इतनी देर बातचीत को सुनने के लिए, यूँ कहो हमको झेलने के लिए, जिन लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड नीचे नोटिफिकेशन पैनल को देख के नहीं करा है, उनको साथ बने रहने के लिए, और जिन्होंने करा है उनके भी साथ बना रहने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.